आज पूरे प्रदेश में यूपी दिवस मनाया जा रहा है। रायबरेली में भी यूपी दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में यहां जीआईसी ग्राउंड में भव्य व्यवस्था की गई थी। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की योजनाओं वाले दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर भव्य स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने किया और उन्होंने कहा कि 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्टॉल और कार्यक्रमों के जरिए सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस स्टेशन के लिए वरुण वाजपे के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। और इनके जो निर्णायक मंडल में है माती मैडम, वो भी इस स्टेज के पास में आ गए। ये कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल भैया अनुराग, फोटो फोटो कौन का है? मुझे लग रहा है ये लो है। देवी शो का जो संपादन कराएंगे, देवी शो के जो संचालक हैं, कृपया स्टेज के पास आ जाएं। अर्चना सभी लड़कियां इस देश का भविष्य हैं और हमें चाहिए कि उनको प्यार सम्मान सब दिया जाए, क्योंकि भारत का भविष्य तभी है जब लड़कियां प्यार और सम्मान के दिल से के बिना कोई समझौता ये शपथ लो। यस करूंगी जी, मैं भी बात डे है, उसको हम लोग यहाँ यूपी दिवस के रूप में शासन के निर्देश अनुसार मनाना आज से प्रारंभ हो रहा है और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज से लेकर के 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। ये कोशिश है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों के माध्यम से और स्टॉल्स के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है और लोगों तक पहुँचने का पुनः एक बार प्रयास किया जा रहा है। जो हम लोगों की ये अपील है, जो भी लोग छूटे हुए हों सरकार की योजनाओं से, अभी भी पात्रता के आधार पर लाभ पाने के लिए पूरी जानकारी यहाँ पर हासिल करें। और इसी के साथ बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ के आम नागरिकगण हैं, जो अपनी प्रतिभा भी इस यहाँ पे मंच पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको भी और सभी जनपदवासियों को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 26 तक चलेगा तो 24 और 25 को तो काफ़ी कार्यक्रम इसी स्थल पे होंगे। 26 तारीख के ज़्यादातर कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के साथ जो अलग से एक प्लान बना है उसके साथ बनाए जाएंगे। मैं अरविंद श्रीवास्तव, जिला संयोजक NGO प्रकोष्ठ भाजपा रायबरेली। आज उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी है, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस उत्तर प्रदेश दिवस पर उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने का जो कारण है, देश विदेश में रह रहे जो हमारे देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है, वो तो सब जाने के उत्तर प्रदेश में क्या क्या अपार संभावनाएँ हैं। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। और निवेश के जो सबसे अच्छी चीज़ है जो कि निवेश यहाँ पर जो है, बाहर की जो कंपनियाँ हैं वो निवेश करने के लिए यहाँ पे आ रही हैं। कई बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं जिस पर लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा।